संघर्ष नाल असी आप संघर्ष नूं किन्ना तकड़ा कर जाने आ, किन्ना असी इहनूं मजबूत कर जाने आ, हर दबे कुचले वर्ग नूं किन्ना नाल लै लैने आ, हर ओह भाईचारा जिहड़ा इहनां दे मारू कानूनां मारू नीतियां दा शिकार आ असी उहनूं आप दे नाल किन्ना खड़ा कर लैने आ, ओ भराओ साडी जित दी गरंटी होगी। सो इस करके आखरी देखो जो 13 तरीक दा ऐलान है रूपरेखा जट्टां कोले ट्रैक्टर ट्रालियां हुंदे ने असी मुड़ दुबारा उस तरीके दे नाल अपने ट्रैक्टर ट्रालियां शिंगार के और उन्हां दे विच घट्टो घट 6-6 महीनिआं दा राशन विच रख के फिर लैके जावांगे क्योंकि साडा हरियाणा जिहड़ा ओह इस वारी साडे नाल पिछली वार नालों ज्यादा मजबूती नाल खड़ा और असी तकड़े होके उहदे लई असी लड़ाई लड़न वास्ते जावांगे। देखो अज हजे 1.5 महीना पिया उस प्रोग्राम च रूपरेखा का मतलब यह हुंदा है कि जे जी हवा ओ जा ओला सरकार इहदे बारे की सोचती है की विचारती है उहनूं जिहड़ा सरकार सोचेगी उहनूं किवें कट्टणा है वह असी वक्ख वक्ख मीटिंगां दे विच फैसले लेंदे रहांगे। देखो मैं एक बेनती करा जिन्होंने आपके हकों की खातर लड़ना है आपके जवाकों की खातर लड़ना है उन्होंने यह सोचना नहीं वाजब कि सरकार की कर सकती है, सरकार साढ़े गोलियां भी मार सकती है, सरकार साढ़े पानी दी बिछाणा तो थोड़ी चीज है गोलियां भी मार सकती है, लेकिन असी सोचना है कि यह जिहड़ा कारपोरेट लोगों के इशारे से जिहड़ा WTO के इशारे से किसानों दी जमीन खो के साडे बच्चों भिखारी बनाउण दी पॉलिसियां रखियां जा रही हैं वह असी सिरे नहीं चढ़न देणियां, साडियां जानां भी जाण वह देवांगे लेकिन असी आपकी नस्ल बचा के तो असी सफल होंगे।